अरब देशों में इसराइल से लड़ने वाले दो बड़े संगठन हैं, हमास और हिजबुल्ला। हमास की लड़ाई तो चल ही रही है काफी दिनों से। कुछ दिन पहले लेबनान का रेडिकल इस्लामिक ग्रुप हिजबुल्ला भी इसराइल के खिलाफ काफी एक्टिव हो गया है। अभी कुछ दिन पहले हिजबुल्ला ने इसराइल पर 300 रॉकेट दागे और एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। ये वही ग्रुप है दोस्तों जिसने कभी इसराइल को हराकर लेबनान से उसे भगाया था। आज हम इसे हिजबुल्ला संगठन की कहानी को जानेंगे, कैसे बना यह संगठन, किस देश ने इसे बनाया और कैसे इसने इसराइल जैसे पावरफुल देश को लेबनान से भगा दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। देखिए, मैप में एक छोटा सा देश है इसराइल, यह है पैलेस्टीन और इसराइल के नॉर्थ में बसा हुआ ये वाला देश है लेबनान। अब हमास पैलेस्टाइन का ग्रुप है तो हिजबुल्ला लेबनान में बैठकर इसराइल से लड़ता है। ये ग्रुप बना कैसे, इसे समझने के लिए हमें अरब देशों की कुछ बातों को समझना होगा। इसमें इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई भी शामिल है और एक देश की क्रांति का भी रोल है जिसने इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन को पैदा करने में मदद की थी। देखिए, 1943 में आजाद हुआ था लेबनान, 1948 में बना था इसराइल। इसराइल का आसपास के मुस्लिम देशों ने विरोध किया। इसी विरोध का एक बड़ा चेहरा था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ। अब पीएलओ मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश और इसराइल के बीच में 1970 तक कई सारे युद्ध हुए जिसमें हर बार इसराइल की जीत हुई और इस दौरान पीएलओ के लड़ाके इसराइल के आसपास के देशों में चले गए जैसे कि जॉर्डन, ईरान और लेबनान। इस वक्त तक लेबनान में सरकार कमजोर चल रही थी, यहां पर शिया और सुन्नी आपस में लड़ रहे थे। पीएलओ ने इसका फायदा उठाकर यहां पर लोगों को इसराइल के खिलाफ भड़काया और पीएलओ में भर्ती करना उन्हें शुरू कर दिया। धीरे धीरे पीएलओ एक बड़ा ग्रुप बन गया लेबनान में जो लेबनान से इसराइल पर अटैक करता था। उधर इसराइल ने भी इन हमलों से तंग आकर 1978 में लेबनान में अपनी सेना उतार दी। जल्दी ही इसराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा भी कर लिया। इसके एक साल बाद 1979 में लेबनान के पड़ोसी देश ईरान में हो जाती है इस्लामिक क्रांति और आयतुल्ला खुमैनी बन जाते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। अब खुमैनी जैसे ही लीडर बने उन्होंने कहा कि वो इस्लामिक क्रांति को दूसरे देशों में भी फैलाएंगे। अब लेबनान जहां पर शिया और सुन्नी पावर के लिए आपस में लड़ रहे थे वहां पर यह क्रांति फैलाने का ईरान को मौका मिल गया और इस आग में घी डालने का काम किया इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध ने। शिया सुन्नी लड़ाई के साथ ही इस युद्ध ने भी हिजबुल्ला संगठन के पनपने में बड़ा रोल निभाया था। दरअसल 1978 में जब इसराइल ने साउथ लेबनान पर कब्जा किया तो अपनी जमीन पर विदेशी सैनिकों को देखकर यहां के शिया गुट ने विद्रोह कर दिया। उधर ईरान जहां पर शिया पावर सत्ता में थी उसने लेबनान के शिया ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ईरान ने अपनी आर्मी जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर कहा जाता है उसकी मदद से लेबनान में शिया विद्रोहियों का एक गुट तैयार किया। इसी विद्रोही गुट का नाम रखा गया हिजबुल्ला, हिजबुल्ला यानी कि ईश्वर की पार्टी। अब ईरान हिजबुल्ला के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देता, साथ ही हथियार और पैसा सप्लाई करता। इसके बाद ईरान जो कभी अमेरिका का दोस्त था और इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका और इसराइल का दुश्मन बन गया था, उसने हिजबुल्ला की मदद से लेबनान में कई अटैक कराए। जैसे कि 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, फिर कुछ दिनों बाद यूएस मरीन के अड्डे पर बम धमाका हुआ। इन दोनों घटनाओं में करीब 304 लोग मारे गए। अमेरिका ने इसके लिए हिजबुल्ला को जिम्मेदार ठहराया। हिजबुल्ला ने कहा कि ये उनका काम नहीं है। दोस्तों, पहले हिजबुल्ला का काम था इजरायली सेना को लेबनान से भगाना, उसमें वो कामयाब भी हुए। हिजबुल्ला के हमलों से साल 1999 में इसराइल के पीएम एहुद बराक ने एक साल के अंदर अपनी आर्मी को लेबनान से निकालने का ऐलान कर दिया था। ये पहली बार था जब किसी ने इसराइल को इस लेवल पर पीछे ढकेला था, ऐसा चैलेंज दिया था। यह हिजबुल्ला और उसके पीछे खड़े ईरान की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन साल 2006 में इसराइल ने लेबनान पर फिर से अटैक किया। 34 दिनों तक लड़ाई चली जिसमें लेबनान के 1100 से ज्यादा लोग और 165 इसराइली मारे गए।
फिर यूनाइटेड नेशंस के बीच बचाव के बाद इस पूरे मैटर को शांत करवाया गया। दोस्तों इन दोनों लड़ाइयों का रिजल्ट ये हुआ कि आज हिजबुल्ला लेबनान की सबसे बड़ी ताकत है। साल 1992 में हसन नसरल्लाह को हिजबुल्ला का मुखिया बनाया गया था, तब से लेकर आज तक वही इसके हेड है। हिजबुल्ला को बनाने वाला ईरान इसकी बढ़ चढ़कर मदद करता है। दावा किया जाता है कि ईरान हर साल 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हिजबुल्ला को देता है। साल 2021 में नसरल्लाह ने दावा किया था कि उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा लड़ाके हैं। आज हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं जो इसराइल के हर एक हिस्से तक मार करने में सक्षम है। हसन नसरल्लाह के आने के बाद हिजबुल्ला लेबनान की राजनीति में भी मजबूत हुआ है, यानी कि वहां की पॉलिटिक्स में अब इनका अच्छा खासा दबाव है। आज के टाइम पर अगर आप देखें तो हिजबुल्ला इसराइल के कई कब्जे वाली जगहों को लेकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जैसे कि 1967 के बाद से सीरिया के गोलन हाइट्स और फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर इसराइल का कब्जा है। वेस्ट बैंक में कई अवैध यहूदी बस्तियां भी बसाई हुई हैं। हिजबुल्ला अब इन कब्जों के खिलाफ भी स्ट्रगल करता है। यही वजह है कि पिछले साल जब हमास और इसराइल के बीच लड़ाई हुई थी तब भी हिजबुल्ला ने अटैक किया था इसराइल पर। आज के टाइम पर हिजबुल्ला का मकसद इसराइल को हराना और मिडिल ईस्ट से औपनिवेशिक ताकतें यानी जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनका खात्मा करना है। कुछ महीने पहले इसराइल ने जब हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर को मारा तो उसके रिस्पॉन्स में हिजबुल्ला ने इसराइल पर 300 रॉकेट से हमला कर दिया था। अब हिजबुल्ला के इन अटैक्स की वजह से इसराइल, अमेरिका और वेस्टर्न देश इसे एक आतंकी संगठन मानते हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहीं कई ऐसे देश हैं जो इसे आतंकी संगठन नहीं मानते। खुद हमारा देश भारत भी हिजबुल्ला को आतंकी संगठन नहीं मानता, लेकिन यह तय है कि हमास के कंपैरिजन में हिजबुल्ला वाकई काफी ताकतवर संगठन है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है, इसके पीछे खड़ा देश जिसका नाम है ईरान। तो दोस्तों ये थी कहानी हिजबुल्ला संगठन की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।